मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूँ। रेलवे परीक्षा देने वाले इस बात पर ध्यान देंगे, क्योंकि अगर इस बात पर आपने ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है आपको पेपर छोड़ना पड़ जाए, और ऐसी स्थिति ना हो तो ही अच्छा है, क्योंकि आने वाले समय में रेलवे में नई नौकरियों का संकट है। दोनों खबरों को देखेंगे और पूरी खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन अगर आपको ये दोनों खबर देखनी है तो आपको वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखनी होगी। चलिए देखते हैं पहले पहली खबर। देखो भाई क्या है खबर। गमछा और रुमाल बांधकर परीक्षा नहीं दे सकेंगे RRB अभ्यर्थी। मतलब अगर आप गमछा और रुमाल बांधकर परीक्षा देने जाते हैं तो हो सकता है आपको पेपर से रोक दिया जाए। पूरी खबर देखते हैं। 15 दिसंबर से शुरू होनी है मिनिस्ट्रियल के विभिन्न पदों की भर्ती। रेलवे भर्ती बोर्ड RRB प्रयागराज की ओर से मिनिस्ट्रियल और नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी मतलब NTPC की भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है, और RRB प्रशासन ने कहा है कि परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को साधारण मास्क ही पहनना होगा। मतलब जो आपके नाक और मुंह को ढक सकते ऐसे मास्क ही पहनने होंगे। मुंह पर गमछा और रुमाल बांधने की परीक्षा के दौरान मनाई होगी। मतलब आप अगर मुंह पर मास्क या गमछा मतलब मास्क की जगह गमछा या रुमाल बांध कर जाते हैं तो उसकी बिल्कुल मनाही है और आपको पेपर से रोक दिया जाएगा। इस दौरान सभी केंद्र में हर एक अभ्यर्थी को 6-6 फीट की दूरी पर बैठाया जाएगा। मतलब जो कोरोना के गाइडलाइन हैं उनका पूरा पालन किया जाएगा। RRB प्रशासन का कहना है कि अगर कोई अभ्यर्थी गमछा या मास्क रुमाल बांधकर आते हैं तो ऐसे मास्क जिनसे चेहरे का अधिकांश हिस्सा ढका है उन्हें परीक्षा केंद्र पर दूसरा मास्क उपलब्ध करवाया जाएगा। मतलब अगर आप ऐसा मास्क लेके जा रहे हैं जिससे कि आपका पूरा चेहरा ढक गया, या गमछा लगा कर जा रहे हैं, या फिर आप जो है रुमाल बांध कर जा रहे हैं मतलब आपका पूरा चेहरा ही ढक जा रहा है, तो आपका मास्क बदलवा दिया जाएगा। दरअसल RRB प्रशासन को आशंका है कि मास्क के अंदर अभ्यर्थी कोई डिवाइस आदि छिपा कर ला सकते हैं। मतलब जैसे अभी आपने देखा है दिल्ली पुलिस में अभी 2 दिन पहले न्यूज आई थी कि कान में एक छोटी सी डिवाइस लगाकर बच्चे ने नकल की, तो ऐसा यहाँ पर भी हो सकता है। ये बिल्कुल जो है इनका जो डर है वो बिल्कुल सही है। RRB चेयरमैन RA जमाली का कहना है कि मिनिस्ट्रियल के विभिन्न पदों पर परीक्षा 15 दिसंबर से शुरू हो रही है जो 18 दिसंबर तक चलेगी। परीक्षा 2 पालियों में होगी मतलब 2 शिफ्ट में होगी, और परीक्षा केंद्र प्रयागराज, कानपुर, झांसी, ग्वालियर, आगरा, मुरादाबाद, देहरादून और रुड़की में होंगे। इन शहरों के 39 केंद्रों में 15,541 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। 11 दिसंबर से अभ्यर्थियों को संबंधित शहर में बनाए गए परीक्षा केंद्र के बारे में जानकारी भी मिल जाएगी, और जैसे ही ख़त्म होते हैं आपके ये एग्ज़ाम जो 15 से 18 दिसंबर तक चलेंगे, और उसके बाद आपके स्टार्ट होंगे किसके भैया NTPC के एग्ज़ाम। NTPC के एग्ज़ाम स्टार्ट होने हैं और इन्हीं का सबको बेसब्री से इंतज़ार है, और इंतज़ार ही ना करें तैयारी भी करें। क्यों? क्योंकि दूसरी खबर देखने के बाद आप चौंक सकते हैं। चलिए देखते हैं आज की दूसरी खबर क्या है। देखिए भाई आप देख सकते हैं रेलवे में नई भर्तियों का संकट, सुरक्षा को छोड़कर बाकी सभी नए पदों के सृजन पर लगी रोक। किसकी खबर है ये भी देखना ज़रूरी है। ये है भैया आप देख सकते हैं अमर उजाला की खबर है, लेकिन ये खबर थोड़ी सी 2 दिन पुरानी हो चुकी है, 7 दिसंबर की एक खबर है। चलिए आपको खबर बताना ज़रूरी लगा इस वजह से हम इस पुरानी खबर को भी लेकर आए हैं। क्या है यहाँ पर देखिए क्या बात कही गई है, सार क्या दिया है इसका। रेलवे की तरफ से जारी पत्र के अनुसार सेफ्टी के मामले में नए पदों के सृजन को लेकर कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है, यानी पहले की भांति नए पदों पर भर्ती कराने की जो प्रक्रिया चल रही है वो जारी रहेगी। अगर हम इसकी डिटेल की बात करें तो क्या है भाई, भारतीय रेलवे बोर्ड ने नए पदों के सृजन को लेकर हाल ही में एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत रेलवे में जिस नीति के जरिए नए पद सृजित किए जाते हैं अब उनकी समीक्षा होगी, और रेलवे में सेफ्टी से जुड़े पदों को इस समीक्षा नीति से अलग रखा गया है। बाकी सभी नए पदों के सृजन पर आगामी आदेशों तक रोक लगा दी गई है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट लिखा है।
अच्छा, इन्होंने लिख दिया है इन्हीं की बात ना माने। आगे देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले खबर बता दूँ उसके बाद लेटर भी दिखाएंगे। क्या है, रेलवे के सभी महाप्रबंधकों जिनमें प्रोडक्शन यूनिट और दूसरे भाग भी शामिल है को निर्देश दिया गया है कि रेलवे बोर्ड के उक्त निर्णयों का पालन करें। ईस्ट कोस्ट रेलवे के प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी कार्यालय ने अपने सभी विभागाध्यक्षों को इन आदेशों पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा है। और देखिए, ये बिल्कुल एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था रेलवे की तरफ से, जिस बारे में कब, 24/11/2020 को। तो ये पूरी जानकारी है भैया इसमें। अब यहाँ पर आगे अगर देखें तो क्या है, रेलवे की तरफ से जारी पत्र के अनुसार सेफ्टी के मामले में नए पदों के सृजन को लेकर कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। यानी जो पहले से भर्ती प्रक्रिया है इस मामले में वो चलती रहेगी। और यहाँ पर एक बात और बता दें आपको, इसके अलावा रेलवे के अन्य जितने भी विभाग हैं, किसे, सेफ्टी पर्पज़ को छोड़कर, सेफ्टी पर्पज़ का मतलब आप मान सकते हैं RPF, RPSF, तो इस टाइप के पदों को छोड़कर, ठीक है, के अलावा रेलवे में अन्य जितने भी विभाग हैं उनमें नए पदों के सृजन पर रोक लगा दी गई है। और पिछले 2 साल में देखिए, ये बात बहुत ही खतरनाक है, ठीक है, जिस वजह से आपको रेलवे की जो परीक्षा, आगामी परीक्षा है जो अभी दिसंबर में होनी है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। पिछले 2 साल में जितने भी नए पद सृजित हुए हैं उनकी समीक्षा की जाएगी, और यदि उन स्वीकृत पदों के लिए अभी तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं है तो उन पदों को वापस लिया जाएगा। मतलब वो भर्ती ही कैंसिल हो जाएगी, मतलब वो पद आने के ही नहीं, तो उन पदों को वापस कर लिया जाएगा। वापस करने के मकसद से उनकी समीक्षा होगी। खाली पड़े मौजूदा पदों में से 50% की कटौती कर इनमें सेफ्टी संबंधित पद शामिल नहीं किए जाएंगे। तो ये पूरी जानकारी है भैया यहाँ पर, और यहाँ पर ये आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस लेटर का, और आराम से देख सकते हैं कि जो बातें हमने बताई हैं आपको वही इसमें है। तो कुल मिलाकर सार ये निकलता है कि भैया, अगर आप NTPC या ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और कर रहे हैं उसकी तैयारी, तो जी तोड़ तैयारी कर लें, क्योंकि अभी इनका भरोसा नहीं है कि ये वैकेंसी कब निकालेंगे। और अगर वैकेंसी निकाल देते हैं, जैसे आप रेलवे NTPC ग्रुप डी का देखते हैं, तो कितना टाइम हो गया वैकेंसी निकले, और कई कई साल लगा देते हैं एक एक वैकेंसी को पूरा करने में। तो उससे बचने के लिए आप जो हैं, जिस भी परीक्षा में बैठ रहे हैं, चाहे NTPC की परीक्षा में बैठ रहे हैं, चाहे ग्रुप डी की परीक्षा में बैठ रहे हैं, उसे अंतिम परीक्षा मानकर आप जो हैं तैयारी करें। चलिए, अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपडेट तक के लिए।